बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं आज की हमारी रेसिपी मटर और शलजम की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं मुनव्वर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनव्वर आल इन वन। दोस्तों मैं अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने किचन में। तो आज की रेसिपी हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल किस्म की लेकर आए हैं। आज की रेसिपी हमारी मटर और शलजम पकाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़े की बनती है। तो आपके लिए हम आज की जो रेसिपी लाए हैं वो हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। तो आप दोस्तों ने हमारी आज की वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक़्त मिलता रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। चीज़ों के लिए, आज की रेसिपी के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो सबसे पहले हमें चाहिए मटर जो हमने ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं, और शलजम जो कद्दूकश कर लिया हमने, क्योंकि जो है ना घोल देना है। अगर ऐसे ही हो तो मज़ेदार नहीं बनते। इनका सिर्फ ये ग्रेवी बनाने के लिए इनको कद्दूकश कर दें ताकि ये हल हो जाए। हरी मिर्च, प्याज, टमाटर और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ धनिया, लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, हल्दी पाउडर, ये तमाम चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। तो चलते हैं रेसिपी क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग हमने चूल्हे में जला ली है, ये ऊपर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर, बिस्मिल्लाह, और सबक मिर्च, बिस्मिल्लाह। ये तो अब इसमें हम दूसरा मसाला ऐड करने लगे हैं, नमक, हल्दी, मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा। बिस्मिल्लाह। हल्का सा पानी लगाएंगे। बिस्मिल्लाह। ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से तैयार हो जाए। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे शलजम जो हमने कद्दूकश किए हुए हैं ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी से बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको थोड़ी देर बाद हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लग ना जाए और ये अच्छी तरह से इनकी ग्रेवी तैयार हो जाए। अभी ये देख रहे हैं कि कुछ अभी इसमें साबुत शलजम पड़े हैं, ये जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, घुल जाएंगे, तो ग्रेवी माशाल्लाह बहुत मज़ेदार तैयार हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। ये तो ग्रेवी हमारी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का मसाला और ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे मटर। बिस्मिल्लाह। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन लगा देंगे। कुछ देर पकने के बाद फिर इसमें हम पानी डालेंगे जिसका शोरबा तैयार हो जाएगा। जी तो मटर हमारे माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं, अब इसमें लगाएंगे पानी ताकि इसका शोरबा तैयार हो सके।
बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम सब्ज़ धनिया और मेथी, खुशक मेथी, ये आप देख सकते हैं हमने जो पहले तैयार करके रखी थी। बिस्मिल्लाह और ये है खुशक मेथी, बहुत ही इसकी खुशबू प्यारी आती है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये आप देख सकते हैं आज की हमारी रेसिपी मटर और शलजम की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाने में बहुत ही आसान होती है। Thank you.